चलो चलो गिलगित, चलो 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 गिलगित, चलो 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 गिलगित, चलो। रहीम, आज अवामी एक्शन कमेटी की और जेएम रेजोल्यूशन बल्तिस्तान का एक अहम मीटिंग हुआ, जिसमें चलो चलो गिलगित चलो तहरीक का हमने आगाज कर दी है। सूबाई हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के आवाम पर जो गंदम की कीमतों में इजाफा किया था उसको वापस लेने पर फिर अवामी एक्शन कमेटी बल्तिस्तान, कोऑर्डिनेशन कमेटी बल्तिस्तान ने मुज़ाकरात का दरवाजा खोल दिया है। चूंकि इस वक्त गिलगित में अवामी एक्शन कमेटी धरने पर बैठा हुआ है और हमारा बहुत सारे मुतालबात आज भी हर तरफ है। हम रेवेन्यू बिल के खिलाफ है, हम फाइनेंस एक्ट के खिलाफ है, हम जमीनों पर कब्जे के खिलाफ है, हम गिलगित बल्तिस्तान में जो है ना हमारे माइनिंग वालों को जो तंग किया जा रहा है इसके खिलाफ है, हम बसरी चेक पोस्ट पर गिलगित बल्तिस्तान के माइनर से जो पैसे लिया जा रहा है, जो भत्ता लिया जा रहा है इसके खिलाफ है, हम गिलगित बल्तिस्तान के मादनियात को गैर मुकामी लोगों को लीज पर दिया जा रहा है, हम इसके खिलाफ है। चूंकि गिलगित बल्तिस्तान में कोई एक इंच जमीन खालिस सरकार नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान में एक इंच जमीन किसी पंजाबी को, किसी सिंधी को, किसी रिटायर कर्नल को देने के लिए हम तैयार नहीं है। रेट पर पाबंदी है, हमारे लोगों को होना तो ये चाहिए था कि गिलगित बल्तिस्तान के माइनिंग करने वालों को सरकार सरपरस्ती करे, इनकी हिमायत करे, क्योंकि ये लोग अपने अपने घर को भी चला रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान की मैशत भी असर करे। हमारे मिनरल डिपार्टमेंट, पता नहीं ये कौन कौन सा डिपार्टमेंट है जिनकी वजह से हमारे मिनरल वालों को तंग किया जा रहा है, एक चपरासी एक चौकीदार इनसे 40-40, 50-50 हजार रुपए भत्ता लिया जा रहा है। इसलिए अब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने फैसला किया है कि जब तक गिलगित बल्तिस्तान के मामले हल नहीं होंगे ये धरने जारी रहेंगे। मैं आज की इस जलसे की मीटिंग की वसात से सूबाई हुकूमत का कहना चाहता हूँ कि आप एक तरफ तो आप तो मुज़ाकरात की बात करते, दूसरा तुमने जिन लोगों को मुज़ाकरात के लिए नामजद किया वो वज़रा आज भी कराची में है, आज भी लाहौर में है, आज भी पिंडी में है, हम किस से मुज़ाकरात करें? हम ये बता देना चाहता है कि हमने धरना मुअख्खर किया है, खत्म नहीं किया है। अगर गिलगित बल्तिस्तान में अवामी एक्शन कमेटी गिलगित के मुतालबात को तस्लीम नहीं किया गया तो बल्तिस्तान से काफिलिंग की शक्ल में जाएंगे। मैं आप तमाम का मशकूर हूँ कि जेम्स एसोसिएशन बल्तिस्तान ने अपनी तमाम गाड़ियां गिलगित चलो चलो गिलगित जाने के तहरीक के लिए आपने वक्फ कर दिए, जिसके अवामी एक्शन कमेटी आप लोगों का मशकूर है। मैं यहाँ से पूरे गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को यह पैगाम देना चाहता हूँ, अब आप शिया से, सुन्नी से, शीन से, यशकिन से निकल कर, गिलगिती से, बल्ती से निकल कर एक कौन बन जाए और अपनी जो हक है वो डंडे के जोर पर लेने की कोशिश करे। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चलो गिलगित, चलो 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 गिलगित, चलो चलो।